हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन के दौर में स्वस्थ होंगे। स्टे होम स्टे सेफ। तो आज मैंने हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आने वाले कुछ छोटे से तीन टॉपिक लिए हैं, हेज, एज और टॉपियरी। हेज का हिंदी में मतलब होता है बाड़, और बाड़ सब बच्चे आसानी से समझते हैं, या वो पेड़ पौधे जो बाहर की तरफ किसी लान या फील्ड या प्लॉट पे लगाए जाते हैं उनको हम हेज की संज्ञा देते हैं। बेन सर्विच प्लांटेड ऑन बाउंड्री फॉर फेंसिंग, इट इज कॉल्ड एज हेज। बाउंड्री पर पौधों को लगाना चार दीवारी के लिए, उन सबको हम बाड़ कहते हैं। सुटेबल प्लांटिंग टाइम, इनके लिए कौन सा उपयुक्त समय है? जुलाई से अगस्त। नेक्स्ट वन इज स्पेसिंग। लंबे पौधों के लिए हम 60 से 90 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं और बौने या छोटे पौधों के लिए 20 से 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं। ट्रिमिंग काट छाट, बेनी या टेन या हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, दे शुड बी बैक टू 10 सेंटीमीटर हाइट। जब पौधा 15 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उसमें काट छाट करके उसको 10 सेंटीमीटर तक ले आते हैं। अब हेज की अगर लंबाई की बात करते हैं तो हेज 1 से 2 मीटर तक लंबी हो सकती है, आवश्यकता अनुसार इसकी लंबाई को हम रखते हैं। कुछ उदाहरण है इसके, मेहंदी, ड्यूरेंटा, हिबिस्कस, थिबेटिया पेरुवियाना जिसे लाल कनेर के नाम से जानते हैं, मुराया पैनिकुलाटा, कामिनी सफ़ेद फूल होता है इसका, करौंदा की बना सकते हैं, बोगेनविलिया आप सबने देखा होगा, करौंदा भी खूब देखा होगा और लंटाना भी सब लोग समझते होंगे। तो इन सारे पौधों को हम हेज के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एज। एज क्या है? इसमें धीमे धीमे इसे बढ़ने वाले पौधों का चुनाव करते हैं जो कि प्लाट का बॉर्डर का निर्धारण करते हैं, कभी कभी लान को डिवाइडेशन करने के काम में आते हैं अंदर। ये विभिन्न रंगों के होते हैं, छोटे लंबाई में कम बढ़ने वाले और कम लंबाई के पौधे होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। इसलिए बॉर्डर ऑफ वेल लो ग्रोइंग प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द बॉर्डर ऑफ प्लाट, दे आर कॉल्ड एज एज प्लांट। दे हार्डली ग्रो अप टू 20 to 30 सेंटीमीटर, ये 20 से 30 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई रखी जा सकती है। एग्जाम्पल अल्टरनेंथ्रा, आयरेजिन, सनरोज। एज बाहर की तरफ होती है सतह और एज अंदर की तरफ आती है। थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टॉपियरी। इट इज एन आर्ट ऑफ द ट्रेनिंग द प्लांट्स इन टू डिफरेंट शेप्स, दैट इज बर्ड्स, एनिमल्स और एनी शेप। सिंपल सा है, ट्रेनिंग करनी है, काट छाट करनी है, बस उसको कोई ना कोई आकार दे देना है, जैसे उसमें किसी बर्ड्स का शेप दे दें, कोई एनिमल्स बना दें, कोई भी शेप। ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कोई ना कोई शेप वहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और प्रूनिंग आपने सुना होगा, तो प्रूनिंग यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्रूनिंग का सिंपल सा वे है द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट पार्ट, इज नोन एज प्रूनिंग। किसी भी अवांछनीय पौधों के अवांछनीय भागों को हटाना प्रूनिंग कहलाता है। ट्रेनिंग, प्रूनिंग फॉर शेप ऑफ ए ट्री। प्रूनिंग तो करना है पर उसको क्या एक शेप देना है, वो क्या कहलाता है? ट्रेनिंग। यहाँ थर्ड वन इज टॉपियरी। ट्रेनिंग तो करना है लेकिन उसमें कोई ना कोई शेप देना है, इंक्लूड बर्ड्स, एनिमल्स या एनी शेप। दूसरा है कोई अगर इसमें हम जो भी पौधे यूज करेंगे वो कैसे होने चाहिए, एवरग्रीन होने चाहिए, सुटेबल प्लांट्स। ड्यूरेंटा प्लूमेरी इज नोन एज आल्सो गोल्डन, इज आल्सो नोन एज गोल्डन एरोटा। इंगाडल्सिस, मुराया पैनिकुलाटा, अकेसिया ओरेस्टा। थैंक यू।
आपको वीडियो कैसा लगा और जो भी आपके सुझाव हों वो मुझे कमेंट में लिखें, मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।